अस्सलाम वालेकुम, यास्मीन खान किचन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हम सबकी फेवरेट चिकन चीज टोस्ट सैंडविच मेरी स्टाइल में। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम 1/4 किलो चिकन लिए थे, उसको मैं उबाल ली हूँ हल्का सा नमक और तेल डाल के। इस तरीके से मैं इतना बड़ा बड़ा पीस फाड़ के रख ली हूँ। इसको मैं मिक्सर में डाल के खबड़ा सा पीस लूंगी। आप इसे बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, हड्डी वाला भी ले सकते हैं। हड्डी वाला ले तो इस तरीके से आप हड्डी से निकाल लें। और ये मैं एक पत्ता गोभी ली हूँ, 2 गाजर ली हूँ, इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। 4 हरी मिर्ची, 10 से 12 लहसुन की कली, इसको हम कटर में कट कर लेंगे। अब हम सैंडविच का बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें जो हम लहसुन और हरी मिर्ची कटर के रखे थे उसको हम डाल देते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसे चला लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, बस 1 मिनट तक खाली। हमारा लहसुन और हरी मिर्ची भुना चुका है। अब इसमें हम गाजर डाल देते हैं। गाजर हमने इस तरीके से इतनी बारीक बारीक कट किए थे, सबसे पहले हम इसको डालेंगे क्योंकि ये थोड़ी कड़क रहती है, तो इसलिए हम इसको पहले डालेंगे। गाजर को डालने के बाद भी हम 30 सेकंड तक थोड़ा सा पका लेंगे ताकि ये हल्का सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम पत्ता गोभी डालेंगे। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च थोड़ी दरदरी कुटी हुई और 1 छोटा चम्मच ओरिगैनो। ये सबसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम डाल देते हैं इसमें जो हमने पत्ता गोभी कट करके रखे थे। पत्ता गोभी हम इस तरीके से कट किए हैं। पत्ता गोभी थोड़ा सा हम ज्यादा डालते हैं क्योंकि ये जब हल्की सी सौटे होती है तो ये कम हो जाती है। गाजर क्या पकने के बाद कम नहीं होती है, इसलिए पत्ता गोभी हम ज्यादा डाल रहे हैं। अब हम पत्ता गोभी डाल के बस थोड़ा सा मिलाएंगे, ज्यादा इसको पकाएंगे नहीं, बस खाली हल्का सा सौटे हो जाए 30 सेकंड के लिए भी। और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 4 दिन 1 हफ्ते, फ्रिज में आप आसानी से रख सकते हैं। आप बच्चों की टिफिन में भी दे दें, आप कहीं सफर कर रहे हैं ब्रेड में लगाएं और रख लें टिफिन बॉक्स में, आप आसानी से खा सकते हैं। ज़्यादा तेल मसाला कुछ भी नहीं रहता है और बहुत टेस्टी भी होती है। अब हमारी सब्जी एकदम अच्छी सौटे हो चुकी है, मसाला भी सब एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है जो भी हम डाले हैं। अब गैस ऑफ कर देते हैं। इसमें हम चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन हम इस तरीके से खबड़ा सा पीस लिए थे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, बाकी चीज और मेयोनीज हम ठंडा होने के बाद डालेंगे क्योंकि गर्म अगर डाले तो मेल्ट हो जाएगी चीज और मेयोनीज भी गर्म हो जाएगी। चिकन को बस हमें खाली मिक्स करना है क्योंकि इसको पकाने की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छा उबला हुआ है और मोटा भी नहीं है, पीसा हुआ है, तो इसे हमें इसलिए हम बुझा के डाल रहे हैं। इसको खाली हम मिक्स कर देंगे बस। तो हमारा चिकन मिक्स हो चुका है, अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ये हमारा बैटर एकदम अच्छा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम चीज और मेयोनीज मिक्स कर देते हैं। ये हम 5 क्यूब घस लिए हैं। ये हम 4 चम्मच मेयोनीज डाल रहे हैं। चीज हम थोड़ा ज्यादा लेते हैं, मेयोनीज थोड़ा कम लेते हैं क्योंकि उससे ज्यादा गीला हो जाएगा। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब
और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब देखिए एकदम अच्छा सा क्रीमी सा हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम ब्रेड में लगा लेते हैं। अब हम बैटर को ब्रेड में लगा के सैंडविच तैयार कर लेते हैं। आप भी इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी होती है। आप इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं, टोस्ट करके भी खा सकते हैं और रोटी में भी लगा के खा सकते हैं। जिस तरीके से भी खाएंगे बहुत स्वादिष्ट होती है। ये फ्राई पैन में हम थोड़ा सा बटर लगा लिए हैं। अब इसमें हम सैंडविच को टोस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम दूसरी तरफ से भी बटर लगा लेंगे ताकि दोनों तरफ से एकदम अच्छे से क्रिस्पी सी टोस्ट बनके तैयार हो। ये हमारी सैंडविच एकदम अच्छे से टोस्ट हो चुकी है। अब इसे हम फ्राई पैन से निकाल लेते हैं। ये हमारी बहुत ही जायकेदार चिकन चीज टोस्ट सैंडविच एकदम क्रिस्पी सी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। आज के लिए बस इतने ही। ये वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए।